चलिए सभी स्टूडेंट जो है ना टेंथ का इंग्लिश का आंसर की मिला लीजिए। आज जो एग्जाम देकर आए 17/2/2023 का सेकंड शिफ्ट का ये आंसर की मिला लीजिए। मात्र जो है 5 से 10 सेकंड में, 5 से 10 मिनट में जो है अपना आंसर की मिला सकते हैं। सबसे पहले पेज को आप लोग रिफ्रेश कर लीजिए और सबसे पहले जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जितने आपके भाई बहन दोस्त या जो भी टेंथ का एग्जाम दे रहे हैं सभी के पास इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए और सभी स्टूडेंट एक बार वीडियो को जमकर शेयर कर दीजिएगा और सभी स्टूडेंट एक बार लाइक कर दीजिएगा। जो भी आगे जो है अपडेट आएगा, जो भी बिहार बोर्ड के तरफ न्यूज होगा, सबसे पहले यहाँ पर अपडेट भी दिया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और सभी स्टूडेंट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मात्र 5 से 10 मिनट में आपका आंसर की चेक कर सकते हैं। कहां चेक करना है, क्या चेक करना है, आपको पूरे वीडियो में बताते हैं। आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपको जो है सिंपली गूगल पे जाना है। कहां पर जाना है आपको? गूगल पे जाना है। गूगल क्रोम ब्राउजर में आना है और आपको सर्च करना है बिहार सेंटर। आप स्पेलिंग देख लो, बिहार सेंटर का स्पेलिंग देख लेना सभी को, समझ गए? बिहार सेंटर जैसे ही आप लोग सर्च करिएगा आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। आपको कुछ यहाँ पर इंटरफेस लग रहा है, इसी पर आपको सिंपली क्लिक करना है। नीचे यहाँ पर देख रहे हैं बिहार सेंटर हिंदी में लिखा हुआ है, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। यहाँ पर जैसे आप लोग क्लिक करेगा इस तरह का कुछ इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है बिहार बोर्ड का करना है हम पर जो है 5 से 10 सेकंड, इस पे क्लिक करके पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा ताकि आपका जो है डाउनलोड हो सके आंसर की। नीचे स्क्रॉल करके आइएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आंसर की। यहाँ पर जो सेकंड शिफ्ट का है, यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट का है, ये सेकंड शिफ्ट का आंसर की यहाँ पर दिख रहा होगा और रिजल्ट एंड एडमिट कार्ड वाला सकना और लेटेस्ट अपडेट, ये तीनों में आंसर की दिया गया है। आपको क्या करना है, इस पे जैसे ही रिजल्ट पे क्लिक करेगा आपके सामने कुछ शिफ्ट का इंटरफेस खुल का आ जाएगा। यहाँ पर इस पे क्लिक करके पेज को रिफ्रेश कर लेना, 5 सेकंड वेट कर लेना, कुछ भी अंदर जाना है। जैसे ही अंदर जाइएगा आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इस तरह का इंटरफेस खुलेगा तो ऊपर पे पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा। यहाँ पर पेज को रिफ्रेश करने का ऑप्शन है, एक बार और रिफ्रेश कर लीजिएगा। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर जो है सेकेंड शिफ्ट का आंसर की यहाँ पर दिया गया, सेकेंड शिफ्ट का आंसर की यहाँ पर डाल दिया गया। आप लोग यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट शिफ्ट का दौर देखना चाहते हैं तो यहां से आप नीचे करिएगा, फर्स्ट शिफ्ट का मिलेगा, ऊपर में सेकंड शिफ्ट का है, सेकंड शिफ्ट पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना। अब जैसे आप लोग क्लिक करिएगा इस तरह का कुछ इंटरफेस खुल कर आ जाएगा आपके सामने। इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, थोड़ा सा पेज को रिफ्रेश कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देख सकते हैं जैसे यहाँ पर यहाँ से फर्स्ट सीटिंग का क्लास 10 का आंसर किया और सेकंड सीट का, यहाँ पर फर्स्ट सीटिंग वाला है, यहाँ पर सेकंड सीटिंग वाला है। आप अभी तक टेलीग्राम में नहीं जो टेलीग्राम का लिंक दिया गया, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, कल जो सोशल साइंस का एग्जाम है उसका आंसर की यहाँ पर अपडेट किया गया, फर्स्ट सीटिंग दोनों का, सेकेंड दोनों का, आप लोग यहाँ से आंसर की अपना मिला सकते हैं। जैसे ही आप लोग आंसर की पर क्लिक करिएगा आपके सामने जो है कुछ हिस्सा का लोड होकर आपके सामने कुछ, चलिए डाउनलोड आ गया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आंसर की मिला सकते हैं आराम से, एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो है मिला सकते हैं। थोड़ा सा वेट करना पड़ा क्योंकि नेटवर्क स्लो के कारण जो है थोड़ा डाउनलोड करने में दिक्कत कठिनाई आया था। आप एक एक क्वेश्चन यहाँ पर आकर मिला सकते हैं, सभी क्वेश्चन यहाँ अपडेट किया गया है, आप लोग क्वेश्चन को देख देख कर मिला सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, सिंपली गूगल पे जाना है, गूगल क्रोम ब्राउजर में सर्च कर लीजिएगा बिहार सेंटर, बिहार सेंटर सर्च करके आपको यहाँ पर आकर आपको डाउनलोड कर लेना बिहार सेंटर पर, समझिए? थोड़ा सा वेट करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक बार सबमिशन लाइक कर दीजिए। यहाँ पर जो बिहार सेंटर पर क्लिक किया, सबमिशन आंसर की डाउनलोड करके मिला लीजिएगा। चलिए आज जो है सभी स्टूडेंट एक बार वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक नहीं किए तो लाइक करिएगा। न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।